हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशान है। आज हम बात करेंगे कि जीनियस लोगों में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो कि हमारे में भी है लेकिन हमें कई बार नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 10 क्वालिटी के बारे में जो कि जीनियस लोगों में होती है, जो कि उनकी हैबिट है या क्वालिटी है या भी साइन जो आपको पता लगेगा कि क्या आप जीनियस की क्वालिटी में आते हैं, और जीनियस में कौन सी 10 क्वालिटी में से आप में कितनी है वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वालिटी के बारे में बात करें तो पहली है कि जो जीनियस लोग होते हैं वो देर रात तक जागते हैं, यानी कि वो कम सोते हैं और रात को ज्यादा जागते हैं। और अगर आप भी देर रात तक जागते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप में जीनियस की क्वालिटी है और आप एक जीनियस लेवल के एक स्टेप वन में आ चुके हैं। दरअसल बात यह है कि जीनियस लोग अपने रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि वो लोग देर रात तक जागते हैं और डीपली रिसर्च करते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि रात को एकदम एनवायरनमेंट बहुत शांत होता है, कोई खास डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो रिसर्च करने में, नॉलेज गेन करने में भी बहुत आसानी रहती है, इजी होता है। तो अगर आप अपने काम में डूब जाते हैं कि आप देर देर रात तक अपने काम में जागते हैं तो आप एक जीनियस हो। दूसरी क्वालिटी के बारे में बात करें तो थोड़ी वियर टाइप की है कि जीनियस लोग लेजी होते हैं। अब आप कहेंगे ये थोड़ी क्वालिटी की हो गई, तो देखिए जीनियस लोग होते हैं वो थोड़े लेजी होते हैं। आलसू होना भी एकदम बुरी बात नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन थोड़ा आलसी चल जाता है। तो जीनियस लोग क्यों आलसी होते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताता हूं कि अगर टीवी है उसमें चैनल्स होते हैं, तो अगर कोई उठ के खड़ा होगा, फिर चैनल चेंज करेगा, फिर बैठेगा, फिर आएगा, फिर उसे चैनल चेंज करने के लिए उठ के खड़ा होगा पड़ेगा, तो जो बंदा ने सोचा कि ये बार बार उठने से यहीं से चैनल कैसे चेंज करे, तो उन्होंने ढूंढ लिया रिमोट को। तो आप ये सोचो कि अगर वो थोड़े आलसी नहीं होते तो रिमोट शायद नहीं ढूंढते। तो थोड़ा लेजीपन होना भी एक जीनियस की क्वालिटी है। तीसरी क्वालिटी के बारे में बात करें जो कि जीनियस लोगों में होती है, तो ये है कि वो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की उनमें आदत होती है। अगर आप में भी आदत है कि कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया नॉलेज गेन करना है, तो फिर आप भी जीनियस की क्वालिटी में आते हैं। जीनियस लोगों हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, जैसे कि कुछ ना कोई बुक पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई वेबसाइट पर जाके रिसर्च करते हैं, तो हर रोज वो नया नॉलेज गेन करते हैं, तो ये आदत ही जीनियस बनाती है। जैसे आज आप देखेंगे कि कोई भी अमीर जो टॉप रिचेस्ट पर्सन होंगे तो उनको आज भी यही आदत होगी कि वो लोग कोई ना कोई बुक्स हर रोज पढ़ते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि अगर आप डेली एक बुक पढ़ते हैं तो वो काफी आप में इंटेलिजेंसीज है या नॉलेज है जिससे आप बहुत सारा गेन कर सकते हैं। तो अगर आप में भी ये आदत है कुछ नया सीखने की, हर रोज नया नॉलेज गेन करने की, हर रोज कोई ना कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ने की, तो आप भी एक जीनियस बंदे हैं। चौथी आदत के बारे में बात करें तो जीनियस लोग होते हैं वो कम सोशल होते हैं, उनको जो है लोगों से घुलना मिलना इतना कम पसंद होता है, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप में भी ये आदत है कि आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना आपको कम पसंद है, तो ये एक जीनियस होने की एक क्वालिटी है। दरअसल ये है कि जीनियस लोग अपने रिसर्च में, अपने काम में इतने डूबे होते हुए, तो वो ज्यादा पब्लिक के सामने आना, पब्लिक से घुलना मिलना, लोगों से मिलना, वो इतना कंफर्टेबली फील नहीं कर पाते हैं, और उन्हें अक्सर अकेले रहना ज्यादा पसंद रहता है, अपने ही रिसर्च में डूबा रहना ज्यादा पसंद करता है। तो ये एक जीनियस होने की एक अच्छी क्वालिटी है। और अगर आप में भी है कि आप लेस सोशल हो, आप लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हो, आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हो, तो ये एक जीनियस होने की क्वालिटी। पांचवी क्वालिटी के बारे में बात करें जो कि जीनियस लोगों में होती है, तो वो होती है कि थिंक बिफोर स्लीप, यानी कि सोने से पहले पूरे दिन में क्या हुआ है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हो सकता था, कल क्या काम करना है, किस काम को हाई प्रायोरिटी देना है, किस काम को कम प्रायोरिटी देना है, अगर ये सोचने की आदत आप में है तो आप जीनियस है। और अगर ये आदत आप में नहीं है तो ये एक अच्छी आदत है, एक अच्छी हैबिट है कि जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपका काम है, वो अक्सर बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि कल आज जो भी हुआ हो, कल आपको किस काम को प्रायोरिटी देना है, किस काम में आपको अग्रिम ध्यान देना है, किस काम को आपको कम ध्यान देना है, जिससे आपके काफी जो है प्रॉब्लम आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, काफी आपके काम में प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जीनियस लोगों में छठी क्वालिटी होती है कि वो ज्यादा क्यूरियस होते हैं, क्योंकि कई इंसान कम क्यूरियस होते हैं, कई इंसान ज्यादा क्यूरियस होते हैं, और जो जीनियस होते हैं वो ज्यादा
क्यूरियस होते हैं, उनको अगर कोई प्रोडक्ट दो, कोई चीज दो, तो उन्हें ये उससे इस्तेमाल से ज्यादा उनमें ये आदत होती कि आखिर ये बना कैसे, इसमें क्या क्या क्वालिटीज है। जैसे कि कोई किसी बच्चे को अगर आप कोई खिलौना दोगे तो वो कोई सामान्य बच्चा होगा तो वो उसे खेलेगा, लेकिन कोई जीनियस बच्चा होगा तो वो उसे खेलेगा तो सही, लेकिन वो ये भी सोचेगा, ये भी ट्राई करेगा। आप देखेंगे कि बच्चे उसे खोलने की शुरुआत कर देंगे, उसे खोल के ये देखेंगे कि ये बना कैसे है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स है, कहाँ पार्ट्स किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें अगर किसी बच्चे में या सारी चीजें अगर आप में है तो ये जीनियस होने की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो लोग ज्यादा क्यूरियस होते हैं, उन्हें ये इंटरेस्ट ज्यादा रहता है कि आखिर ये जो प्रोडक्ट है या कोई चीज है या फिर ये जो भी है वो वर्क कैसे कर रहा है, उसमें किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो अगर आप में भी क्यूरियोसिटी ज्यादा है, आप में भी कोई नया नया जानने की ये सोच है कि ये आखिर वर्क कैसे कर रहा है, तो ये भी एक जीनियस होने की बहुत बड़ी क्वालिटी है। जीनियस लोगों में सातवीं आदत होती है कि वो अपने आप से बात करते हैं, कि अगर आप में भी अपने आप से बात करने की हैबिट है, अपने आप में बात करने की आदत है, तो ये भी जीनियस होने की क्वालिटी है। क्योंकि जीनियस लोग अक्सर, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ टॉपिक पे सोचते रहते हैं, फिर अपने आप से ही बात करते हैं और उसमें कई बार काफी सॉल्यूशन मिलता है। जैसे आपने कई बार ये देखा होगा कि जब आप शावर लेते हैं, सुबह नहाते हैं, उस टाइम आपको कोई आइडिया क्लिक कर जाता है, क्योंकि ये एक क्वालिटी होती है। अगर आप अकेले है, अपने आप से बात करते हैं, तो कई प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं। कई बार अपने आप हमारे पास सॉल्यूशन होते ही है, लेकिन हम हमसे पूछने की जगह बाहर सॉल्यूशन ढूंढते फिरते हैं। तो अगर आप में भी ये क्वालिटी है कि अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से ही टॉक करते हैं, तो ये भी एक जीनियस होने की क्वालिटी है। और आठवीं क्वालिटी के बारे में बात करें तो, अगर जैसे आपको पता है कि किसी व्यक्ति की ब्लू आईज होती है तो उसे जीनियस माना जाता है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च एक आया है। और जैसे आपको पता है कि 700 करोड़ की जो बस्ती है हमारी पृथ्वी की, उनमें से केवल 8% की आईज होती है वो ब्लू कलर की होती है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के जो नाखून होता है थंब में, तो वहां पे वो आधा चंद्र जैसा आपको दिखेगा, तो अगर वो भी आपके नाखून में है, थंब में है, तो फिर वो भी एक जीनियस होने की क्वालिटी है। लेकिन एक और बात बता दूं कि ये जो नाखून चंद्र की बात कर रहा हूं ना, वो इंडिया, एशिया, पाकिस्तान, वहां पे काफी मिलते हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि इंडियंस जो होते हैं वो अक्सर जीनियस ही होते हैं। तो ये 8 क्वालिटीज होती है, कि ये 8 चीजें हैं, कि अगर आप में इनमें से आप में कौन कौन सी है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप में इनमें से एक भी अगर आपकी क्वालिटी है तो आप जीनियस की कैटेगरी में आते हैं, आप अपने आप को कम नहीं समझना है। तो दोस्तों कैसे लगे इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट जरूर कीजिएगा।